एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जल्द ही उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और कुछ दूसरे लोगों को भी जगह मिलेगी। तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहना है कि यूपी कैबिनेट में जगह ओम प्रकाश राजभर को मिलेगी, इतना ही नहीं दारा सिंह चौहान और दूसरे लोगों को भी जगह मिलेगी। अगस्त में राजभर का क्या राजयोग होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगस्त में कैबिनेट विस्तार की खबरें हैं और यही इनको जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी होगी। यानी कि आगामी ये जो सत्र होने वाला, इससे पहले जो कैबिनेट होगा उसमें आप शामिल होंगे? अब देखिए, विस्तार अगर पहले होगा तो निश्चित होंगे, बाद में होगा तो भी बिल्कुल कैबिनेट विस्तार में मतलब निश्चित देखने को मिलेगा, निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां बाघ के हमले में बच्ची की मौत हो गई है। घर के बाहर खेलते समय बच्ची को बाघ उठा ले गया था, जंगल के अंदर बच्ची का शव मिला है। ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश है। थाना माधो टांडा के सेल्हा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और यहां पर बच्ची को बाघ लेकर जाकर खेत में छोड़ दिया, बच्ची का शव मिला है खेत से। बाघ के हमले में बच्ची की मौत हो गई है और ऐसे में गुस्सा ग्रामीणों में है। पीलीभीत की पूरी घटना, घर के बाहर खेलते समय बच्ची को उठाया और जंगल के अंदर बच्ची का शव मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण है, घर वाले बच्ची के, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। शिवपाल यादव के अपने निजी सचिव को हिरासत में लिए जाने के मामले में पुलिस पर आरोप लगाए हैं। शिवपाल ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने हमारे सचिव की गाड़ी रुकवाकर उसकी सीट पर खुद असला रखा। शिवपाल ने यह भी कहा कि बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उधर डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से निष्पक्षता से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान शिवपाल के निजी सचिव को हिरासत में लिया, जिसके बाद शिवपाल अपने समर्थकों के साथ गौतमपल्ली थाने पहुंचे और अपने निजी सचिव को छुड़वाया। इस दौरान थाने के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी रोक करके ऐसे गाड़ी रुकाई, रुकाने के बाद असला कोई चीज थी, असला वगैरह था, निकाला और इसके सीट पर रख दिया पीछे वाली पर और कहिए खोलो। और ये सब बातें हैं ना, ये तो पूरे प्रदेश में ही हो रहा है इस तरीके के। निर्दोष लोगों को, बहुत लोगों को जेल भेजा रहा जा रहा। थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम अंकुश शर्मा है, जो कि अपने चार पहिया वाहन से जा रहे थे, उन्हें संदिग्धता के आधार पर रोका गया था, जिसके उपरांत उनको थाने पर तथ्यों की जाँच हेतु लाया गया। जाँच उपरांत उन्हें थाने से रवाना किया गया। इस संबंध में संपूर्ण जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, यहां वक्त से लाइक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।